हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2018 के जो टायर टू का एडमिट कार्ड आया है। अभी एक रीजन का ही आया है, सेंट्रल रीजन है शायद वो। तो आजकल आप जब भी न्यूज़ चैनल चलाते होंगे या फिर कोई डिबेट वगैरह सुनते होंगे, तो एक आपके बात सामने आती है कि ये लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा उसको चलाते हैं। तो वो हर चीज़ में आजकल होने लग गया है, क्योंकि आजकल ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सोशल मीडिया हर जगह है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसका अपने कुछ मतलब थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए बहुत से लोगों को मतलब एक गलत रास्ता दिखा देते हैं, या उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं भड़काने का काम करते हैं। और इसमें हम सब भी ज़िम्मेदार होते हैं, मतलब जाने अनजाने में हम सब ज़िम्मेदार बन जाते हैं अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। तो आप सोचते होंगे कि ये प्रोपेगेंडा होता क्या, कई बार आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आप सब इन्वॉल्व हैं सीजीएल 2018 के लिए, तो आप भी कई बार जैसे बहुत से आपने रूमर सुने होंगे कि भाई जो एग्ज़ाम होता है वो जिसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो गलत हुआ है, तो आपको अगर आपका आपका स्कोर बहुत कम है तो आप ऐसे बहुत से चैनल होंगे जो कहते हैं ये गलत है, तो वो आप उनके चक्रों में आके लगे रहते होंगे। वो आपको कहते होंगे कि आपको इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए या कुछ और जाना चाहिए। चलो वो तो नॉर्मलाइजेशन की बात हुई। अब जैसे ही सीजीएल के टायर टू का एडमिट कार्ड आया, वो भी सिर्फ एक रीजन का, जो शायद हो सकता है कि 10% भी रिप्रेजेंट ना करता हो पूरे एसएससी के एस्पिरेंट्स को, और उसकी बिना किसी जानकारी लिए एक जो चैनल है आरबी रिवोल्यूशन। तो मैं देखता हूँ कि ये चैनल ऐसा नहीं है कि मैं इस चैनल की बुराई करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि हाँ ये बहुत मेहनत करता है अपने कंटेंट पे, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये मेहनत करता है उसको इतना अपना जितना इनपुट डालता है उतना आउटपुट भी नहीं मिलता हो, फिर भी अपने मतलब कुछ व्यूअर्स की सिंपैथी पाने के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए ये लोग इतने जल्दी वीडियो किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि इनके पास कोई जानकारी नहीं होती। उससे पहले ये मैंने देखा था, कल उन्होंने एक वीडियो डाला था, शायद वो वीडियो उन्होंने बाद में हटा भी दिया था, बट अगर वो वीडियो ये रखते, ये उस वीडियो को दोबारा उस पे क्लेरिफिकेशन नहीं देते, तो इस तरह के वीडियो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और जो बंदे तैयारी कर रहे होते हैं उनके दिमाग में अलग ही चीज़ बढ़ जाते हैं। सब आपको सबको पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पेपर अच्छे से देना है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आपको लाने होते हैं, इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप देखते हैं एक यूट्यूब चैनल पर आप भरोसा करते हैं जो आपके सामने ऐसी गलत चीज़ लेकर ला के डाल देता है और आप इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मेरा इस आरबी रिवोल्यूशन और जो भी अन्य जो यूट्यूब चैनल होते हैं उनको इस इन चीज़ों से बचना चाहिए। और हकीकत यह है कि यूट्यूब पे आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुपात में आपको कुछ नहीं मिलता, तो समझदारी से काम लें, लोगों को भड़काए नहीं, और जो ये फाल्स प्रोपागेंडा होता है आपका उसको न फैलाएं, क्योंकि वैसे ही आजकल बहुत सा हर प्रकार सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि जब सबसे ज़्यादा युवा इस चक्कर में आते हैं कि उनको पता ही नहीं है करें क्या, क्योंकि जॉब तो 8,000 की निकलनी है, फॉर्म 8 लाख ने भरा है तो लगने तो 8,000 ही हैं, तो वो बाकी बचेंगे उनके लिए प्रोपागेंडा ही काम करता है, क्योंकि बंदा डिप्रेशन में होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों को खुद भी समझदार होना चाहिए और उन लोगों को सोचकर बनाना चाहिए, ना कि उन 8,000 लोगों के लिए जो सिलेक्ट होने वाले हैं। तो एक होलिस्टिक सिचुएशन पे ध्यान देना चाहिए सभी को, अपने सिर्फ अपना फायदा नहीं सामाजिक भलाई के लिए भी ध्यान देना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।